और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी के सदस्यों की घोषणा कर दी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कुल 30 सदस्य हैं, सुनिएगा ध्यान से, 30 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि अगले सत्र के पहले हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। जेपीसी में कौन कौन है? निशिकांत दुबे हैं, इमरान मसूद हैं, ए राजा हैं, असद ओवैसी हैं, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, गौरव गोगोई, जगदम्बिका पाल। दोबारा मतलब सारी पार्टियों का इसमें प्रतिनिधित्व है, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। इसमें इमरान मसूद भी हैं, ए राजा भी हैं, असद ओवैसी भी हैं, तेजस्वी सूर्या भी हैं, अपराजिता सारंगी हैं, गौरव गोगोई, जगदम्बिका पाल इसमें शामिल हैं। देखिए इसके अलावा दिलीप सेकिया, संजय जायसवाल, दिलेश्वर कामत, नासिर हुसैन, एमडी जावेद को भी जेपीसी में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, 30 सदस्य हैं। और बड़ी खबर यह है कि जेपीसी अगले सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मतलब लोकसभा के शीतकालीन सत्र में अब वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी। अगले सत्र के पहले हफ्ते में जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब इस तरह से आप समझिए, अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि नवंबर दिसंबर तक के लिए ये बिल लटक गया है, नवंबर दिसंबर तक के लिए। कल नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बिल को, आप सभी जानते हैं, लोकसभा में पेश करने के बावजूद पास कराने की बजाय इसे जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का फैसला किया था। हालांकि सरकार ने कहा यह तो हमारा ही प्रपोजल था, तो कोई दबाव नहीं था। सरकार का पक्ष है बीजेपी का, कोई दबाव नहीं था साहब, ना टीडीपी ना जेडीयू, ये हमारा ही प्रपोजल था जेपीसी में भेजने का। किरण रिजिजू ने सदन में खड़े होकर कहा कि हम इसको जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि इसके बाद ही बिल को लेकर मोदी सरकार पर दो बड़े सवाल उठे, पॉलिटिकली तो सवाल उठेंगे। पहला सवाल उठेगा, क्या मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल पर बैकफुट पर आ गई है? पास क्यों नहीं कराया? इसलिए इस बिल को पास कराने की बजाय जेपीसी में भेजने का फैसला किया गया। दूसरा सवाल है कि मोदी सरकार क्या इस बिल पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे हटी है? अच्छा, ये भी एक थ्योरी दी जा रही है, एक है कि भाई क्या बैकफुट पर आ गई मोदी सरकार, है ना, सहयोगियों का दबाव, या दूसरा कहा जा रहा है कि लंबी छलांग के लिए दो कदम पीछे खींचे गए हैं, ये भी एक थ्योरी है। क्योंकि लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल का समर्थन किया लोकसभा में। अगर केंद्र सरकार चाहती तो आसानी से इस बिल को पास करा लेती, क्योंकि लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त ताकत है, नंबर्स हैं। क्या नंबर्स है? कुल सीटें कितने हैं? 543, आंकड़े समझिए, 543, बहुमत का आंकड़ा 272, एनडीए के पास 293, इजी कंफर्टेबल मेजोरिटी। मतलब लोकसभा में इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार को जरा भी परेशानी नहीं थी। अब सवाल है कि फिर जेपीसी क्यों भेजा गया, फिर क्यों भेजा गया? दूसरी तरफ बीजेपी के पास फिलहाल राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है, समझिए इस चीज को। राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है, राज्यसभा में 225 जो है फिलहाल सांसद हैं, जबकि 20 सीटें खाली हैं। लिहाजा बहुमत का आंकड़ा 113 है, 113। अच्छा, बीजेपी के पास कितने? 87, 87, सहयोगी दलों को मिलाकर 101। मतलब एनडीए की बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें कम है। इंडी के पास 87 सीट्स है, इंडी अलायंस के पास 87, जबकि अन्य पार्टियों के पास 28 सीट है। तो क्या यही वजह है कि फिलहाल वक्फ को वक्त दिया गया है, ब्रेक लगाया गया है, या ऑन होल्ड कह सकते हैं आप कुछ समय के लिए, संशोधन बिल को विचार विमर्श और सहमति बनाने के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया है? बड़ी बात यह है कि इस समय राज्यसभा की जो 20 सीटें खाली है ना, अब सुनिए इसमें पेंच क्या है। उनमें जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं, 4, जबकि चारों सीटें मनोनीत सदस्यों की हैं। इन सीट्स को छोड़कर बाकी 12 सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होना है, जिसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 237 हो जाएगी, 237। इन चुनावों के बाद कहा जा रहा है कि एनडीए के सदस्यों की संख्या 117 तक पहुंचने की उम्मीद है। आप समझे ये स्ट्रेटेजी, अभी इसको वक्फ को ये नहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, अभी राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी ऐसी उम्मीद, 117 तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर सरकार 4 मनोनीत सीटों को भी भर लेती है तो राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 241 हो जाएंगी, 241, और बहुमत का आंकड़ा होगा 121, क्योंकि आमतौर पर मनोनीत सदस्य सरकार के साथ ही जाते हैं। इसलिए एनडीए की ताकत 117 से बढ़कर
121 कंफर्टेबल हो गया। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा वही है 121। यानी 3 सितंबर के बाद वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार का वक्त शुरू होता है और वक्फ का वक्त शायद ओवर होता है संशोधन के लिहाज से। वहीं आज मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी किरण रिजिजू से मुलाकात की और उनसे इस बिल को लेकर चर्चा की। अब आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में कौन कौन से वो 5 बड़े बदलाव किए गए। देखिए बहुत बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे, हम आपके लिए निचोड़ तैयार करके लाए हैं। आप हर कोई जानना चाह रहा है ऐसा क्या है बिल के अंदर, साथ है क्या जिसको लेकर इतना बवाल है। 5 बड़े बदलाव है, 5 जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। अब विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप तय करिए। पहला संशोधन, वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो वो जमीन किसकी है, जिसकी है, वो उसके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। होना चाहिए ना साहब, मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी पर वक्फ ने कर दिया दावा, आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, आपको वक्फ ट्राइब्यूनल ही जाना पड़ेगा। अब नहीं है साहब ऐसा, अब ऐसा नहीं होगा अगर यह संशोधन पास हो जाता है तो फिर अब आप हाई कोर्ट जा पाएंगे, सिविल कोर्ट जा पाएंगे और रेवेन्यू कोर्ट आप जा पाएंगे। अच्छा, और